तो हम अब प्लाज्मोलाइज सेल को दोबारा पानी में रखते हैं। क्या करते हैं, प्लांट सेल हमने कहा ये प्लाज्मोलाइज हो गया। अब प्लाज्मोलाइज सेल है हमारे पास, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। व्हेन इट इज प्लेस इन वाटर, ये प्लाज्मोलाइज सेल जो श्रिंक हुआ है, जो फ्लैश हुआ है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर हम इसको पानी में रखें, और कौन सा, यहाँ इसको कहते हैं एक सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर हम प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें फिर क्या होगा, वाटर अगेन इंटर्स, क्या होगा, वाटर अगेन इंटर्स द सेल, पानी दोबारा सेल के अंदर चला जाएगा। अब हमने प्लाज्मोलाइज सेल को बीकर ऑफ वाटर में रखा, यहाँ पर हमने रखा था प्लाज्मोलाइज सेल को। अब ये प्लाज्मोलाइज सेल, उसका जो वैक्यूल है वो वैक्यूल छोटा था पहले, अब दोबारा यहाँ पर पानी इंटर होगा। जब वाटर दोबारा इंटर होगा तो ये प्लाज्मोलाइज सेल दोबारा पानी से भर जाएगा और उसका जो ओरिजिनल शेप है दोबारा रिटेन करेगा, इस तरह दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। अब ओरिजिनल पोजीशन में ये चला गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइजेशन। सो इन प्लाज्मोलाइज सेल इज प्लेस इन वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट अगेन एंटर्स इनटू द सेल। अब जब पानी दोबारा सेल के अंदर चला गया तो फिर क्या होगा, जो सेल है, सेल गेट्स इट्स शेप, क्या होगा, सेल गेट्स इट्स शेप अगेन, सेल दोबारा अपना ओरिजिनल शेप रिटेन करेगा क्योंकि पानी इंटर हो रहा है कंटिन्यूअसली। अब शेप दोबारा रिटेन हुआ तो फिर क्या होगा, जितनी भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है जो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोलाइज सेल में, वो अलग हो जाएंगी, साइट पे चली जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जितनी भी हैं, दे विल डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड इक्वली इन द सेल। तमाम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सेल का जो ओरिजिनल शेप है वो दोबारा रिटेन होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या है ये, डीप्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या था, जब सेल हमने हाइपरटोनिक में रखा तो वाटर बाहर निकला, सेल फ्लैशिड हुआ, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुई ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, उस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और उस सेल को हम प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। अब उस प्लाज्मोलाइज सेल को हमने दोबारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, ये हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ये हाइपोटोनिक है। अब हमने उस प्लाज्मोलाइज सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा हैविंग मोर वाटर। अब ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस के थ्रू पानी सेल के अंदर दोबारा जाएगा, सेल का जो वैक्यूल है वो ओरिजिनल जो उसका शेप है रिटेन करेगा, साइज बढ़ जाएगा, सेल नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा, तमाम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जितने भी हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी इक्वली सेल के अंदर और इस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और जो सेल है उस सेल को हम कहते हैं हमारे पास डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल था, पहले प्लाज्मोलाइज था अब ये हो गया डीप्लाज्मोलाइज। तो इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सी चेंजेस पैदा करेगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जहां पर सेल के अंदर सेल से बाहर दोनों मीडियम में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमने एक प्लांट का सेल लिया,
उस प्लांट सेल को हमने रखा एक बीकर ऑफ वाटर में, जहां पर सेम सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है एज द सेल। तो हमने प्लांट सेल को ऐसी मीडियम में रखा जो सेल की तरह क्या है, यहाँ पर आइसोटोनिक है। जितनी आइसोटोनिक, जितनी सॉल्यूट कंसेंट्रेशन सेल के अंदर है उतनी ही सेल के बाहर भी है। तो ये दोनों क्या है, ये आइसोटोनिक है टू द सेल। इस तरह यहाँ पर सेल में भी आइसोटोनिक है। अब क्या होगा, आइसोटोनिक में हमने पढ़ा था कि जो नेट मूवमेंट है सॉल्यूट पार्टिकल की, जो नेट मूवमेंट है वो क्या है, जीरो है। मतलब अगर एक सॉल्यूट पार्टिकल सेल से बाहर जाता है तो एट द सेम टाइम एक सॉल्यूट पार्टिकल सेल के अंदर जाएगा। अब इस तरह की मूवमेंट, मूवमेंट तो हो रही है लेकिन जो नेट मूवमेंट है वो जीरो है। तो यहां पर सॉरी सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, यहां पर अब सेम सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है। तो एक पार्टिकल सेल के अंदर जब जाएगा दूसरा पार्टिकल बाहर निकलेगा, या फिर एक पार्टिकल जब बाहर जाएगा तो दूसरा पार्टिकल एट द सेम टाइम सेल के अंदर जाएगा। इस किस्म का जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों साइड पे सेम कंसेंट्रेशन है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नेट मूवमेंट इज जीरो। नेट मूवमेंट क्या है, जीरो है, क्योंकि जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर भी निकल रहे हैं द सेम टाइम, तो नेट मूवमेंट जीरो होगी। अब एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि सेल का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। प्लांट सेल में जब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, इसका इफेक्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा प्लांट सेल के ऊपर, तो हम कहते हैं एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि थोड़ा मतलब ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगी एनिमल सेल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, सेल का जो शेप है वो नॉर्मल रहेगा। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल में जो सेल का शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इफेक्ट क्या है, नेट मूवमेंट इज जीरो, इफेक्ट क्या होगा, सेल बिकम्स अ लिटिल फ्लैसिड, थोड़ा सा फ्लैसिड होगा। फ्लैसिड को हम लूज कहते हैं। थोड़ा सा जो सेल जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है थोड़ा सा वो सेल वॉल से अलग हो जाएगी वो चीजें, और सेल थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ऐसी लूज सेल को हम फ्लैसिड कहते हैं। अब लूज हुआ, क्यों लूज हुआ, बिकॉज प्लांट्स के लिए टर्जिडिटी जरूरी है। सेल जब पानी से भर जाएगा वो भी भरेगा जितना उसमें कैपेसिटी है, तो फिर प्लांट का एक खास स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, इसी तरह यंग स्टेम का, या फिर जो नए टिश्यूज बनते हैं, टर्जिडिटी की वजह से एक खास उनका स्ट्रक्चर शेप मेंटेन रहता है। अब अगर प्लांट्स में टर्जिडिटी कम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो सेल थोड़ा सा फ्लैसिड बन जाएगा या फिर लूज बन जाएगा। और लूज क्यों है, बिकॉज सेल के अंदर टर्जिडिटी क्या है, वो कम है। तो जो नेट मूवमेंट है, बिकॉज नेट अपटेक ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इज लेस, या हम लिख सकते हैं नॉट इनफ, क्योंकि सेल के अंदर नेट मूवमेंट हम कहते हैं जीरो है। तो टर्जिडिटी मेंटेन रखने के लिए जो वाटर है वो इनफ नहीं है, तो प्लांट्स का जो सेल है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, और ऐसी लूज सेल को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं। तो ये तीनों किस्म के सॉल्यूशन का इफेक्ट था प्लांट्स और एनिमल सेल के ऊपर।